राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है तो जमीन पर पानी को लोग तरस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पानी की इतनी किल्लत है कि लोग अब मारामारी पर भी उतर आए हैं। वहीं दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सियासत भी खूब देखी जा रही है। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीते दो दिनों से लगातार बीजेपी पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की ओर से आईटीओ स्थित शहीदी पार्क के पास केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के प्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 पानी फीसद पानी अरविंद दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये लोगों का हालत वही है। इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रोकथाम नहीं कर सकते। दिल्ली को 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने भी लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में प्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक में दिल्ली के हर नल से टूटी हुई पानी लाने का है। कौन से पाई कौन से नल झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ। ये जाए कोर्ट में झुलस हुई गर्मी दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाब देनी पड़ती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरह